हेलो फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, मेरी बहुत सारी रेसिपीज आप देख चुके हैं। आज देखिए मेरे बच्चे की रेसिपी, मेरे बेटे की रेसिपी। ये बना रहा है आज मैगी, और वैसे इसको मैगी के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता है। और मैगी बनाने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग क्या है, देखिए किस तरह से बना रहा है। तो चलो बच्चे बनाओ मैगी। तो इसने रखा पैन, आप जलाइए गैस स्टोव। इसमें थोड़ा सा इसने घी भी डाल दिया है, घी और मैगी में। आप सोच सकते हैं क्या अजीब सा कॉम्बिनेशन है, बट चलो देखते रहिए कैसे बनाएगा क्या बनाएगा। ये अक्सर वैसे अपने लिए मैगी खुद ही बनाता है, और ऐसे सिर्फ मैगी ही बनाता है, ये तो बता ही चुकी हूँ आपको। और मैं आपको बताती हूँ क्या करने वाला है। और देखिए गैस स्टोव में थोड़ी कम करनी पड़ेगी, धुआं निकलने लगा है, पर ऐसा लगा सारे मेरे बर्तन ही जला डाले इसने तो। लेकिन चलो कोई बात, जो माँ फेस के लिए आ जाए सब कुछ। तो इसमें इसने डाला मैगी मसाला। मैं तो मैगी खाती नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं कितनी क्या क्या क्वांटिटी है, पर इनके लिए बना देती हूँ कभी कभी, पर ये बनाता है अपने पसंद से अपने हिसाब से। तो इसने घी डाला, उसमें डाल दिया मसाला, इसमें उठा दिया धुआँ, अब ये लगेगा जलने। जलने से पहले इसमें डाल दी इसने हरी मिर्ची, मतलब दसका उठाने का, धुआं उठाने का अच्छा सा तरीका है, छींकने खांसने का बहुत अच्छा सा नुस्खा है ये, जिसको छींकने खांसना ना आ रहा हो अच्छे से आ जाएगा। और गैस स्टोव इसने कर दिया अभी बंद, ये इसको मैनेज नहीं कर पाया इस मसाले को, क्योंकि जलने लगा है। और आज मैं इसमें हाथ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज यही बना रहा है। तो चलो जी, अब इसमें नया मसाला डाल रहा है, वो है हल्दी। गैस स्टोव इसने बंद कर दिया, क्योंकि इसके धुएं को, इसकी हीट को ये मैनेज नहीं कर पाया था, और अभी गैस स्टोव इसने बंद कर दी है। और अब इसको वापस से ऑन कर रहा है, देखते हैं कितनी जल्दी भुनेगी अभी ये फिर से। वैसे मुझे लगता है जल भुन तो काफ़ी चुकी है। अब बेटा इसमें डाल दो कुछ भी, पर मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज ये कहेगा आपने मेरी मैगी का टेस्ट खराब कर दिया। मैं ऐसे बनाने वाला था। और इसमें डाल दिया पानी, जिससे उठ गया अच्छा खासा धुआं, और मुझे तो छींके भी आने लगी है इसको धुएं को देख के, क्योंकि जब मैं मैगी बनाती हूँ कभी उसमें कोई धुआं नाम की चीज़ें नहीं उठती। मैं तो क्या करती हूँ, मैगी मसाला पानी सब एक साथ डाल देती हूँ, और बस वो तैयार हो जाती है। मुझे ज़्यादा आती भी नहीं बनानी, मुझे क्योंकि खाना तो होता नहीं है, मुझे बस बनानी होती तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पर इसकी रेसिपी डिफरेंट है से है। अभी ले रहा है मैगी का ये पैकेट, इसमें डाल दिया, पर मुझे तो लगता है पानी कम है, शायद पानी कम नहीं है, अच्छा डलेगा अभी पानी, भाई पानी डलेगा अभी बता रहा है बच्चा। अभी इसने डाला एक पैकेट, और शायद दूसरा पैकेट डालोगे क्या? अच्छा जी, दूसरा पैकेट डालने वाला भी है, देखते रहिए इसका चमत्कार। ओहो, मेरे तो कैमरा भी बेचारा हिल गया इसको देखकर, बेचारा घबरा गया कैमरा भी इसकी भूख को देखकर तो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। तो डाल दे दूसरा पैकेट भी इसने जलने के लिए, क्योंकि जितना पानी है इस अमाउंट को देख के तो मुझे लग रहा है जले भुनेगी। दो मिनट में तैयार तो क्या होगी, दो मिनट से पहले पहले जल ही जाएगी ये। और अभी मैगी का जो मसाला है उसको खोल रहा है, उसको कैंची से कट कर सकते हो, कैंची से कट कर लो। और अभी उस मसाले को भी इसके अंदर डाल रहा है, तो ये डाल दिए दोनों पैकेट मसाले के और दोनों पैकेट मैगी के इसने डाल दिया इसके अंदर पैन के अंदर। और अभी बनने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है, इसकी खुशबू को या स्मेल को क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि मेरी तो नाक ही बंद होने लगी है। एनीवेज देखते हैं क्या होगा इस मैगी के बेचारे का, वैसे अच्छी बनेगी इनके हिसाब से तो बनी जाएगी अच्छी। तो अभी इसको शायद पकने दोगे, क्या करोगे? ठीक है, इसको पकने दो भी थोड़ा सा, मैं विराम ले लेती हूँ। तो देखिए मैगी कुछ बनने सी लगी है, और देखो मैंने पहले भी कहा था पानी कम रह गया, इसने पानी डाल दिया। और मैं आपको बता दूँ, बीच में इसने मिर्च भी डाल दी थी, लाल मिर्च, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मतलब आप सोच के देखिए मैगी कैसी बनी होगी, इसमें लाल मिर्च भी मसाले भी ये, पर चलो कोई बात नहीं, अब देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी। और ये भी देख सकते हैं कि किचन का गैस स्टोव कितना ज़्यादा सड़ा दिया है, इतना तो मैं 36 प्रकार के पकवान बनाने के बाद भी नहीं सड़ाती हूँ जितना ऐसे कहने को। सो-कॉल्ड 2 मिनट की मैगी को, वैसे तो 3-4 मिनट तो हो चुके हैं इसको बनते हुए, देखते हैं अभी और कितनी देर में बनेगी। तो मैं फिर से थोड़ा सा रोक देती हूँ कैमरा को, बनने देते हैं इसको। तो लीजिए, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत वेट के बाद आखिरकार ये मैगी कुछ बन सी गई है, और इसको बनने में 5 मिनट से भी ज़्यादा लग गए, 6-7 मिनट लग गए हैं। तो 2 मिनट की मैगी को इन्होंने बनाया, 10 मिनट के लगभग, 10 मिनट तो नहीं, 10 मिनट ज़्यादा हो गए, लेकिन हाँ 7-8 मिनट इन्होंने लगा दी मैगी को बनाने में। अब ये बनकर है तैयार है। अब आप मुझे बताइए आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी, यदि पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने चैनल पर अपनी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।